आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं क्यों कहता हूं कि उड़ीसा इज वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट। आप सोचिए, 23 साल से नवीन बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जहां 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे रहे हैं, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा जिसकी आबादी 4.5 करोड़ है, उसमें से 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न प्राप्त कर रहे हैं। क्या है, कहां पहुंचा दिया 23 साल से तुम राज कर रहे हो, और मोदी जी ने यही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण जो भारत की गरीबी 22% पर खड़ी थी उसको घटा करके 10% से भी कम कर दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है, 1% से भी नीचे आ गई। यह बदलता भारत। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात करूं, 4 करोड़ घर दिए गए, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और यहां भी आप यहां 72 लाख घर सैंक्शन हो गए, 72 लाख घर, 29 लाख घर बनने का प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, मोदी जी एक तरफ 75 लाख घर उड़ीसा को देते हैं तो वहीं यहां पर घोटाले पे घोटाला होता है और पात्र को नहीं मिलता है, और जो पात्र नहीं है उसको दिया जाता है, ये घोटाला होता है।